अल्टरनेटर क्या है? जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, अल्टरनेटर एक प्रकार का वह साधन है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है यांत्रिक ऊर्जा के बदले में। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला साधन वो अल्टरनेटर है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है और आर्मेचर स्थिर रहता है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें आर्मेचर को घुमाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाता है। दोनों ही प्रकार के अल्टरनेटर में विद्युत प्राप्त होती है, वो प्रत्यावर्ती धारा ऐसी उत्पन्न होती है, इसका नाम अल्टरनेटर रखा गया है। इसके भाग जैसे अपन देखते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है, सबसे पहले पुली। पुली का काम ये होता है कि वो मैकेनिकल पावर को प्राप्त करती है। और इसके बाद ड्राइव एंड, मतलब ये कवर है। इसके बाद रोटर है, रोटर के बाद जिसमें चुंबकीय क्षेत्र बने हुए हैं, रोटेटिंग फील्ड है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र इसमें रोटर में रखे गए हैं। जो स्थिर रहने वाला भाग है वो स्टेटर है। इसके बाद दूसरी साइड का कवर है और इसके बाद एक एसेसरीज है इसके साथ लगी हुई, रोटेटिंग फील्ड टाइप। रोटेटिंग फील्ड टाइप जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, फील्ड सिस्टम इज रोटेटिंग मेंबर एंड आर्मेचर सिस्टम इज स्टेशनरी मेंबर। मतलब आर्मेचर स्थिर रखा गया है और फील्ड को रोटेट किया गया है। फील्ड वाइंडिंग अरेंज ऑन रोटर पार्ट, मतलब रोटर पार्ट के ऊपर फील्ड की वाइंडिंग की गई है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल बनाए जाते हैं, पोल बनते हैं। और फील्ड सिस्टम माउंटेड ऑन शाफ्ट एज शोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि फील्ड सिस्टम चुंबकीय क्षेत्र जो शाफ्ट के ऊपर है, जिसमें पोल बने हुए नॉर्थ और साउथ पोल, जिसके घुमाया जाता है। डीसी सप्लाई इज नीडेड फॉर फील्ड वाइंडिंग, मतलब डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए, जिसे हम एक्साइटेशन कहते हैं। दूसरी प्रकार के जो आर्मेचर होते हैं, दूसरे अल्टरनेटर होते हैं, वो रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, जिसके अंदर आर्मेचर घूमता है और फील्ड स्थिर रहता है। ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया, इन दिस टाइप फील्ड सिस्टम इज स्टेशनरी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र आपका स्थिर है जो बॉडी के ऊपर लगाया गया है, और आर्मेचर सिस्टम जो रोटेट करता है, जो घूमने वाला भाग है, वो आर्मेचर जहाँ से आपको विद्युत पैदा होती है। आर्मेचर सिस्टम इज सपोर्टेड ऑन शाफ्ट, मतलब शाफ्ट के ऊपर उसको फिट किया जाता है। और जैसा डीसी सप्लाई कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद फील्ड वाइंडिंग, मतलब डीसी सप्लाई जो फील्ड को उत्तेजित करने के लिए लगाई जाती है, वो स्टेटर जिसमें फील्ड पोल बने हुए हैं उसके साथ जोड़ी जाती है। स्लिप रिंग के द्वारा आउटपुट ली जाती है, जैसे तीन स्लिप रिंगें यहाँ दिखा रखी हैं, आर वाई बी, जहाँ से तीन फेज प्राप्त होते हैं, जिसे हम बाहर काम में लेते हैं। ये थ्री फेज एसी जो रोटर से प्राप्त होती है रोटेटिंग पार्ट एसी के लिए। सबसे पहले मैं रोटेटिंग आर्मेचर टाइप बना रहा हूँ, ठीक है। रोटेटिंग आर्मेचर टाइप जिसके अंदर फील्ड आपका स्थिर है, फील्ड में ऐसे चार पोल बने हुए हैं, जहां आपने अपने पास में जो उपलब्ध अल्टरनेटर है उसके सर्किट डायग्राम, उसी कनेक्शन के बारे में देखें, तो ये एक फील्ड पोल है, दूसरा पोल जिसके ऊपर वाइंडिंग की गई है, इसके कनेक्शन इसका एंडिंग निकला, वो इसके एंडिंग से ये स्टार्ट सिरा निकलेगा, इसके स्टार्ट से ये एंड, इसके एंड से और ये स्टार्ट सिरा आपका बाहर निकलेगा, ये स्टार्ट सिरा आपका बाहर निकलेगा। ये आपके फील्ड की कोइलों की कनेक्शन हो गए। मैंने जैसे बोला स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड मतलब यहां से आप चलना शुरू करते हैं, ये स्टार्ट, ये एंड सिरा, किस एंड को अगले पोल की एंड से जोड़ना है, ये स्टार्ट, ये एंड, स्टार्ट एंड, स्टार्ट और एंड, इसका एंड इसके एंड से, इसका स्टार्ट अगले पोल के स्टार्ट से, इसका एंड अगले पोल के एंड से और स्टार्ट सिरा बाहर। ये पूरा एक तरह से आपकी फील्ड वाइंडिंग होगी। और शॉर्ट में अगर बनाना है तो ये फील्ड वाइंडिंग के दो सिरे हो गए आपके, ठीक है। अब आपको बनाना है थ्री फेज का अल्टरनेटर, तो रोटर में, रोटर में जो वाइंडिंग होगी थ्री फेज की होगी, थ्री फेज की वाइंडिंग होगी, तो एक कॉइल दूसरी कॉइल से 120 डिग्री के कोण पर होगी,
120 डिग्री। थ्री फेज कैसे पैदा होते हैं? अगर तीन कोयले परस्पर 120 डिग्री के कोण पर रखी जाए तो थ्री फेज की उत्पत्ति होती है, तीन फेज पैदा होते हैं। ये सिरा A1, A2 जिसका नाम चेंज होकर के नाम U1 और U2 लिखा जाता है, इससे 120 डिग्री के कोण पर लगभग ये आएगा, यहां पर दूसरी कॉइल रखी हुई है जिसका नाम है V1 और V2, ठीक है। अब इससे 120 डिग्री के कोण पर V1 के बाद U, V और W, W1, W2 ये नए नाम, पहले A1, A2, ये B1, B2, फिर C1, C2 ऐसा लिखा जाता था, अब नामकरण चेंज करके U, V और W ऐसा लिखा जाता है। तो ये थ्री फेज के आर्मेचर के अंदर की वाइंडिंग है, थ्री फेज के आर्मेचर की वाइंडिंग इस प्रकार से की जाती है और तीन कोयले परस्पर 120 डिग्री कोण पर स्थापित की जाती है। अब इन सब को स्टार में कनेक्ट किया जाता है, स्टार कनेक्शन 1-1 वाले सिरे को जोड़ दो, स्टार कनेक्शन कैसे होंगे, A1, ठीक है, A1 के साथ B1, ये जोड़ दिया, और इसके साथ C1, ये स्टार कनेक्शन हो गया। A1, B1 और C1 तीनों को जोड़ दिया, ये स्टार कनेक्शन हो गया, और इस स्टार जंक्शन से आपको आउटपुट मिलेगी, वो न्यूट्रल मिलेगा आपको, यहां से आपको न्यूट्रल लेना है, ये न्यूट्रल आर फेज, यहां से आर फेज मिल जाएगा आपको, ये आर फेज, ये आपका वाई फेज हो गया, और ये आपका आर वाई और बी, ये तीन फेज आपको आउटपुट प्राप्त होगी। इन सभी के साथ स्लिप रिंगें जुड़ेगी और कार्बन ब्रश से आप आउटपुट बाहर लेंगे, ये तभी होगा जब ये फील्ड पूरी तरह एक्साइटेड होगा। अब क्योंकि वोल्टेज कब पैदा होते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाए, अभी आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र है नहीं, चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फील्ड को तो एक्साइट करना पड़ेगा, इस फील्ड को एक्साइट करने के लिए आपको एक छोटा सा डीसी शंट जनरेटर या एक्साइटर बोलते हैं इसको, एक्साइटर क्या होता है, छोटा सा डीसी शंट जनरेटर होता है, डीसी शंट जनरेटर जिसके अंदर ये फील्ड है, आर्मेचर है, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, ये डीसी सप्लाई इस अल्टरनेटर की फील्ड को देनी पड़ेगी। ये पूरा आपका एक्साइटर वाला हिस्सा हो गया, ये एक्साइटर कहलाता है, और इसके साथ आपको वोल्टेज को कम ज्यादा करना है, वेरिएशन करना है, तो इसके साथ हम एक फील्ड रेगुलेटर लगा देते हैं, ये फील्ड रेगुलेटर हो गया,
ताकि इस एक्साइटेशन को कम ज्यादा करेंगे तो वोल्टेज कम ज्यादा हो जाएंगे। तो ये आपका रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर है। इससे कनेक्शन करने के लिए आपको यही करना है, पहले फील्ड वाइंडिंग, फिर आर्मेचर, फिर फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन करके फील्ड को एक्साइटर से जोड़ना है। एक्साइटर एक छोटा सा डीसी शंट जनरेटर है जो डीसी वोल्टेज पैदा करेगा। ये डीसी वोल्टेज इस फील्ड को दिए जाएंगे तब जाकर के ना इसमें फील्ड पैदा होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और आपका आर्मेचर जैसे घूमेगा तो उसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका ये एक अल्टरनेटर रोटेटिंग आर्मेचर टाइप। अब दूसरा अपन बनाते हैं रोटेटिंग फील्ड टाइप। ये तो एक बार बना लो, ठीक है। ये जो आपने किया है ये अल्टरनेटर फील्ड की वाइंडिंग को हमने फील्ड की वाइंडिंग को सेपरेट से एक्साइट किया है। एक्साइटर हमारा अलग से लगा रखा है इसमें। ये एक्साइटर इसकी शाफ्ट के साथ परमानेंटली जुड़ा हुआ है। जैसे आपका अल्टरनेटर चलता है वैसे ही एक्साइटर चलता है, इसके साथ साथ ही घूम रहा है, लेकिन ये सेपरेटली लगा रखा है, इसलिए हम इसका नाम सेपरेटली एक्साइटेड कहा जाता है। इसको हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। अगर मान लो इसको सेल्फ एक्साइट करना है, सेल्फ एक्साइट करना है मतलब इसके जो वोल्टेज निकले हैं इसी से आपको एक्साइट करना है, तो हम क्या करेंगे? ये आपका अल्टरनेटर है सेपरेटली एक्साइटेड, क्योंकि अल्टरनेटर के साथ हमने एक एक्साइटर अलग से लगा दिया। अगर मान लो सेल्फ करना हो, सेल्फ एक्साइट करना है, तो ये एक्साइटर यहां से हटा देंगे। इस एक्साइटर को हटा करके इसमें जो वोल्टेज बन रहे हैं, चाहे आप थ्री फेज का तो एक रेक्टिफायर बना देंगे या सिंगल फेज रेक्टिफायर। मैं एक फेज यहां से ले रहा हूं और न्यूट्रल यहां से लिया, ये फेज और न्यूट्रल लिए हैं, जो अल्टरनेटर से जो पैदा हो रहे हैं वही वोल्टेज लिए हैं, वही वोल्टेज से आपको एक्साइट करना है तो सेल्फ एक्साइटेड हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। रेक्टिफायर जो ब्रिज रेक्टिफायर जानते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर आपने बनाया होगा या पढ़ा होगा, चार डायोड, यहां से आपको डीसी की आउटपुट मिलेगी, ये डीसी की जो आउटपुट है ये एक्साइटेशन में दी जाती है और ये एसी की जो पॉइंट है, ये एसी की जो पॉइंट ये आपने एक रेक्टिफायर बना दिया, तो अल्टरनेटर से जो बिजली पैदा हो रही है इसी से आप एक्साइट करके और फील्ड को सप्लाई दी जाती है। मतलब फील्ड को आपको डीसी चाहिए, इसलिए हमने इससे जो वोल्टेज पैदा हुए हैं उसी को काम में लिया है। तो ये आपका अल्टरनेटर हो गया सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वोल्टेज इससे पैदा हो रहे हैं इसके साथ एक रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, रेक्टिफायर से इसकी फील्ड को एक्साइट करना पड़ेगा। अगर मान लो ये तो मैंने आपका सिंगल फेज बना दिया, थ्री फेज का है तो थ्री फेज का रेक्टिफायर ऐसे ही, थ्री फेज का रेक्टिफायर ऐसे तीन ब्रिज बना के थ्री फेज का रेक्टिफायर बना करके इस फील्ड को एक्साइट किया जाए, तो ये आपका हो गया सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली में क्या था, अलग से एक छोटा सा जनरेटर लगा दिया था उससे फील्ड को एक्साइट किया था। सेल्फ में जो वोल्टेज इससे बने हैं, जो वोल्टेज इससे प्राप्त हो गए, इसी के साथ एक रेक्टिफायर लगाना जरूरी है क्योंकि हमें फील्ड को डीसी देनी है, फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई चाहिए, इसलिए हम एक रेक्टिफायर लगा करके और फिर फील्ड को सप्लाई दें, तो ये आपका सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर बन गया। ठीक है, अगला आपको रोटेटिंग आर्मेचर टाइप।
ये आपका एक्साइटर, एक्साइटर के अंदर दो फील्ड और दो आर्मेचर के, और ये एक इंटरपोल के कनेक्शन है कि विथ इंटरपोल या विदाउट इंटरपोल करना है, तो इसके लिए हमने ये दो तार इंटरपोल के अलग कर दिए हैं। वो बाद में लोड आने के बाद ये सी दो फील्ड के हैं और दो आर्मेचर के हैं, ये लेकर के इस पैनल बोर्ड पे लेके आ गए हैं। जैसे पैनल बोर्ड पे ये इस साइड से ये पीसी से कनेक्शन जोड़ करके नहीं पैनल बोर्ड पे ले आए, ठीक है। अब ये तो एक्साइटर के कनेक्शन, अब ये फील्ड के कनेक्शन है, दो ये फील्ड के तार आ रहे हैं, अब ये फील्ड के तार आ रहे हैं जो ये यहाँ से दिखेंगे, इन दोनों को आपकी ये फील्ड का एक्साइटेशन, ये F1 F2 इस मशीन के यहाँ से, इस मशीन में एक पोल यहाँ, ये चार पोल का है, एक पोल इसके साथ अंदर फिटेड है, दूसरा पोल यहाँ है, तीसरा पोल, ये चार पोल हैं, चार पोल के कनेक्शन करके ये दो F1 और F2 के दो तार ये आ गए, F1 F2, ये F1 और F2 ये फील्ड के, इनको आपको DC एक्साइटेशन देना है, वो इस एक्साइटर से देना है। एक्साइटेशन यहाँ से जो वोल्टेज डेवलप करेगा, यहाँ आ जाएंगे ये A1 SH1 A2 SH2 दोनों को शॉर्ट कर दिया और ये प्लस माइनस फील्ड को सप्लाई चली गई। ये एक्साइटेशन जैसे आएगा, चाहे इसको रियोस्टेट, ये सप्लाई यहाँ से रियोस्टेट के माध्यम से ले लेना ताकि वेरिएशन कर सके, फील्ड एक्साइटेशन कम ज़्यादा करना हो तो। अभी हमने फिक्स एक्साइटेशन दिया है और ये R, Y और B और N ये इसके स्लिप रिंगों से निकल रहे हैं, जो स्लिप रिंग इसके अंदर है, स्लिप रिंगों से निकाल रखे हैं, जो सप्लाई ये यहाँ से स्लिप रिंग इसके अंदर है, इसके अंदर चार स्लिप रिंग हैं जिसके द्वारा ये निकल जाएगा। तो ये सप्लाई RYB स्लिप रिंगों के द्वारा ये आ रही है, ये आपका DC शंट मोटर। पहले आपको मोटर चालू करनी है, मोटर आपको पहले चालू करनी है, तो ये कनेक्शन करने हैं आपको LFA, L टर्मिनल यहाँ से प्लस से एक तार यहाँ जोड़ना है, F फील्ड का और A आर्मेचर, और इन दोनों को कॉमन करके और ये N से एक तार यहाँ जोड़ देना है। फिर मेन स्विच जैसे चालू करेंगे DC सप्लाई आ जाएगी, और थ्री पॉइंट स्टार्टर को जैसे आप चालू करेंगे तो मोटर घूमने लग जाएगी। ये पूरा हिस्सा जो है ये मोटर का है और ये पूरा अल्टरनेटर का है, ये साइड मोटर की, ये अल्टरनेटर की है, अल्टरनेटर का हिस्सा ये है, ये पूरा भाग मोटर का कंट्रोल है। एक बार मोटर चालू करें तो फिर पहिया घूमने लग जाएगा, जनरेटर वोल्टेज पैदा करेगा अल्टरनेटर, फिर उसको चेक कर लेना, ठीक है। फिर भार डालने की बात है, भार डालना RYB और N, इस पर आपको लैंप लोड लगा करके और भार डालना है, ठीक है। स्लिप रिंग है ना ये, चार स्लिप रिंगे हैं इसमें, ये RYB और N, टोटल ये चार स्लिप रिंगे हो गई, दो ब्रश यहाँ है, दो ब्रश इधर नीचे की तरफ लगा रखे हैं, तो RYB और N टोटल ये स्लिप रिंगे हैं, 1, 2, 3 और 4। इसके अंदर वाइंडिंग करके रखी है, वाइंडिंग थ्री फेज की, जो चार पोल की वाइंडिंग करते हैं ऐसे ही स्लॉट और पोल इसके साथ, जैसे मोटर की जो वाइंडिंग होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी वाइंडिंग होगी। ये जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है ठीक इस प्रकार से जो अपना थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग है, सिंगल लेयर, डबल लेयर, दो पोल, चार पोल, छः पोल, तो इसमें चार पोल की वाइंडिंग करके रखी गई है। जितने स्लॉट होंगे, माना कि इसमें 24 स्लॉट हैं और चार पोल हैं, एक से छः इसका पिच होगा, और वाइंडिंग करके और छः तार निकलेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2, और उनको स्टार में कनेक्ट कर दिया, और स्टार जंक्शन जो पॉइंट होगा, स्टार पॉइंट से एक न्यूट्रल की स्लिप रिंग लगा दी है, और बाकी के तीनों फेस की ये RYB ऐसे करके तीनों के कनेक्शन कर दिए गए हैं। ये स्लिप रिंगों के बीच में एक बैकलाइट का इसमें इंसुलेशन है, और एक स्लीव है बीच में जहाँ पर ये कनेक्शन किए गए हैं, यहाँ इसके टर्मिनल स्क्रू है, यहाँ इसे कनेक्शन किए जाते हैं सबके अलग अलग। तो ये तीनों चारों स्लिप रिंग है, एक न्यूट्रल की और तीन फेस की, यहाँ से ये कार्बन ब्रश के द्वारा यहाँ कनेक्शन करके आउटपुट निकाल लिया बाहर, ठीक। अब दूसरा वाला जो अपने करने जा रहे हैं रोटेटिंग फील्ड टाइप
जो सर्वाधिक काम में लेते हैं और जितने बड़े बड़े पावर स्टेशन हैं वो रोटेटिंग फील्ड टाइप, रोटेटिंग फील्ड टाइप जिसमें ये फील्ड आपका रोटेट करता है। ये फील्ड की जो वाइंडिंग है आपकी, यहां पर आपकी फील्ड की वाइंडिंग की गई है। जिस प्रकार इसमें जो बाहर कनेक्शन कर रखे थे स्टेटर में, स्टार्ट एंड इस प्रकार से इनका भी कनेक्शन स्टार्ट एंड कैसे कनेक्शन कर दिए इसके, और यहां पर स्लिप रिंग के द्वारा ये फील्ड के सिरे F1, F2 ये एक्साइटेशन के लिए हो गया, चार पोल, ये रोटेटिंग फील्ड टाइप, इसमें फील्ड घूमता है। बाहर जो है जहां आपको आउटपुट ये में प्राप्त होता है, जो थ्री फेस का है तो इस प्रकार से होगा, जो कॉइलों के कनेक्शन में वाइंडिंग किस प्रकार से होगी, जैसे इसमें चार पोल हैं तो चार कोयलें इस प्रकार से इनके कनेक्शन भी आपस में, ये हमने डिटेल वाइंडिंग के हिसाब से बना दिया है। वाइंडिंग में इसका एंडिंग, इसके एंडिंग से ये स्टार्ट सिरा, अगले पोल के स्टार्ट सिरे से ये एंड, एंड से और ये स्टार्ट सिरा आपका बाहर निकलेगा, और एक सिरा ये आपका बाहर निकलना है। ये दोनों एक फेस की वाइंडिंग हो गई जिसका नाम A1 A2, ठीक है, ये आपका A1, ये A2, नाम बदल गया इसका U1 और U2, ये एक फेस के दो सिरे। ठीक इसी प्रकार दूसरा फेस, इसका एंडिंग अगले येलो के एंडिंग से ये स्टार्ट सिरा, अगले येलो के स्टार्ट से ये एंडिंग, एंड से ये स्टार्ट सिरा बाहर, ये आपका B1 B2 था, जो पहला जो नाम था B1 B2, नाम बदल के अब चेंज हो गया वो V1 V2, ठीक है। ऐसे ही तीसरा फेस,
एंडिंग सिरा, ब्लू के एंडिंग से ये स्टार्ट सिरा निकला हो, स्टार्ट से ये एंड, इसके एंड से और ये आपका ए बी और ये सी वन सी टू नाम बदल गया वो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू। अब इनको आपको स्टार में कनेक्ट करना है, स्टार में कनेक्ट करना है तो कोई से भी वन वन सिरे या टू टू वाले सिरे आपको जोड़ने हैं, या तो वन वन वाले सिरे जोड़ दो या टू टू वाले सिरे जोड़ दो। जैसे ए टू है, ठीक है, ए टू के साथ बी टू जोड़ दिया और ये सी टू जोड़ दिया, ये स्टार पॉइंट हो गया। अब ये स्टार पॉइंट क्या आउटपुट देगा, न्यूट्रल, जिसका बड़ा जनरेटिंग स्टेशन है। इस न्यूट्रल को वहीं पर अर्थ कर देते हैं, जहां से बिजली पैदा हो रही है वहीं से न्यूट्रल को अर्थ कर दिया जाता है। आगे ट्रांसफॉर्मर में भी न्यूट्रल को अर्थ कर दिया जाता है। तो ये स्टार पॉइंट आपका न्यूट्रल जो अर्थ किया जाता है, और ये ए वन ये आर फेस की जो लाइन होगी वो आर फेस की लाइन होगी, ये आपका आउटपुट जो खंभे के ऊपर चला जाएगा ये आर फेस पैदा कर रहा है। ऐसे ही ये यहां से आपका आउटपुट मिल रहा है ये वाई फेस, और ये आउटपुट आपका बी फेस हो गया। तो ये आर वाई बी तीन आपके आउटपुट हो गए। तो ये आउटपुट इस स्टेटर से मिलते हैं। अगर आपको ज्यादा मात्रा में वोल्टेज चाहिए, जैसे 11000 वोल्ट चाहिए, 11000 वोल्ट और हैवी लोड चाहिए, तो फिर ये हैवी कंडक्टर से वाइंडिंग करके बना करके और इस प्रकार से कनेक्शन, चाहे वो छोटा जनरेटर हो, अल्टरनेटर छोटा हो चाहे बड़ा हो, कनेक्शन इसी टाइप से होते हैं। और ये सिरे यहाँ से आउटपुट की जो लाइन है वो बाहर ली जाती है, और यहीं से आउटपुट जैसे 11000 वोल्ट आ गए तो यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा करके 1,32,000 करके और ओवरहेड लाइन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे जीएसएस है अपना 5 नंबर, जब पीएच1 पे जो बिजली पैदा हुई वो सीधी लेकर के ग्रिड सब स्टेशन पे पहुंचानी है तो दूरी बहुत ज्यादा है, तो उसको स्टेप अप करके 1,32,000 वोल्ट या 220 केवी 2,20,000 वोल्ट करके और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली को पहुंचाया जाता है। तो ये यहाँ आपका आउटपुट मिला, यहाँ से सीधी ओवरहेड लाइन चली जाएगी और वोल्टेज पहुंच जाएगा। अब रही बात इसका एक्साइटेशन करने की, फील्ड को एक्साइट कैसे करें। अगर आप सेपरेटली एक एक्साइटर लगा दें, सेपरेटली अगर एक्साइटर लगा करके इसकी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दो तो वो हो गया सेपरेटली एक्साइटेड, और सेल्फ एक्साइटेड करना है तो ये जो थ्री फेज आपके प्राप्त हो रहे हैं इसी के साथ थ्री फेज का रेक्टिफायर लगा करके और डीसी बना के इस फील्ड को एक्साइट कर दो तो वो सेल्फ एक्साइटेड हो गया। सेपरेटली एक्साइटेड हो या सेल्फ एक्साइटेड हो, मेन जो फंक्शन है वोल्टेज पैदा करने का, चुंबकीय क्षेत्र में चालक घुमाना है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा करेंगे, या तो सेपरेटली जनरेटर लगा दो या सेल्फ करना है तो ये जो वोल्टेज इसके पैदा हुए हैं इसी के साथ एक रेक्टिफायर लगा करके और फील्ड को एक्साइट कर दो, ये रोटेटिंग फील्ड टाइप हो गया। अगर हमें थ्री फेज का रेक्टिफायर चाहिए तो ये थ्री फेज का रेक्टिफायर यहीं से थ्री फेज वोल्टेज लेकर के और तीन रेक्टिफायर बना करके इसकी डीसी सप्लाई है इसको दे दो। जैसे ये डीसी का ये फील्ड को जाने वाली डीसी, यहां आपको डीसी एक्साइटेशन देना है, डीसी का एक्साइटेशन, इस एक्साइटेशन से फील्ड उत्तेजित होंगे और ये रोटेट करता रहेगा और बाहर आपके वोल्टेज प्राप्त होंगे। तो ये आपका हो गया रोटेटिंग फील्ड टाइप, रोटेटिंग आर्मेचर और या रोटेटिंग फील्ड टाइप, जनरेटर अल्टरनेटर दोनों में से किसी भी एक वैरायटी का हो सकता है। अब आगे थ्री फेज का रेक्टिफायर आपको बनाना हो तो थ्री फेज का रेक्टिफायर सेम एक फेज के लिए, जैसे ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाए ऐसा कैसा, ऐसे ही आप तीन रेक्टिफायर बनाएंगे
और इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, ये वाला आपका रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर है। इसमें फील्ड रोटेट कर रहा है, फील्ड रोटेट कर रहा है इसलिए इसमें दो स्लिप रिंग ही है। ये दो स्लिप रिंग है जिसके द्वारा अंदर जो रोटर के अंदर जो फील्ड है उसको सप्लाई देनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये आपका डीसी सप्लाई देनी है। अब ये इस स्लिप रिंगों के द्वारा अंदर रोटर को सप्लाई जा रही है, और आर्मेचर जो होता है वो आपका स्थिर है स्टेटर के अंदर। थ्री फेज की वाइंडिंग स्टेटर में करके रखी है, पहले जो जनरेटर था उसमें रोटर के अंदर थी घूमने वाले भाग में, ये स्थिर वाले भाग में थ्री फेज की सप्लाई है। तो स्टेटर से ये थ्री फेज सप्लाई आपकी आ गई है ना, आर वाई और बी, और ये न्यूट्रल। अब ये सेल्फ एक्साइटेड बनाने के लिए क्या किया, तो न्यूट्रल ये सीधा का सीधा एक स्लिप रिंग को रेक्टिफायर के द्वारा डीसी बन गई, और यहाँ से जो इसमें जो वोल्टेज पैदा हुआ यहीं से लेकर के और इस ब्रिज रेक्टिफायर को दिया है, और रेक्टिफायर से डीसी करके और फील्ड को एक्साइट किया गया है। ये एक छोटा रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर सिंगल फेज ले लिया, एक फेज और एक न्यूट्रल लेकर के और इसके फील्ड को एक्साइट किया गया है, और दो स्लिप रिंगों के द्वारा अंदर रोटर को सप्लाई दी है। ठीक है, तो ये आपका रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर है। अभी इसको ये प्राइम मोड से जब घुमाया जाएगा, प्राइम मोड से घुमा करके और देख लेना, अगर सपोज करो ये वोल्टेज पैदा नहीं करे, अगर अल्टरनेटर ये वोल्टेज पैदा नहीं करता है, तब क्या क्या टेस्ट करेंगे। एक तो ये डीसी का एक्साइटेशन आपको चेक करना है, डीसी एक्साइटेशन शुरू में थोड़े बहुत भी वोल्टेज फेज न्यूट्रल के बीच में आ रहे कि नहीं आ रहे, तो थोड़े बहुत वोल्टेज आएंगे तो वो फिल्टर इसमें रेक्टिफायर से डीसी बन करके और इसके फील्ड को जाएंगे, तब फील्ड आपका एक्साइट होगा। नहीं तो अगर सप्लाई वोल्टेज पैदा नहीं कर रहा है तो यहाँ बैटरी से पृथक से एक्साइट करना है, इसको सेपरेटली एक्साइट बनाना है इसको। सेल्फ एक्साइट नहीं हो तो सेपरेटली एक्साइट करना है, क्योंकि लंबे समय तक अगर मान लो इसका पड़े रहेगा तो अंदर आपका अवशेष चुंबक समाप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो सेल्फ एक्साइटेशन है वो अगर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से डीसी सप्लाई सेपरेट सोर्स अलग से बैटरी वगैरह लगा करके और इस स्लिप रिंगों को डीसी सप्लाई दें तो वो आपका ये अल्टरनेटर हो जाएगा आपका सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, अभी तो ये वोल्टेज पैदा कर लेगा, किसी कारणवश अगर मान लो नहीं पैदा करें तो सेपरेटली एक्साइट करके आप वोल्टेज बना सकते हैं इसके। ठीक, चलो ठीक है।